अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा सगुन पांडे ने पुलिस पर लगाया घर में कैद करने का आरोप। मृतक चंदन की शोक सभा में जाने से पुलिस ने रोका। संविधान का मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता को किया मेरे घर में कैद। अपनी जान देकर भी दिलाऊंगी चंदन को इंसाफ। योगी और मोदी से इंसाफ दिलाने की लगाई गुहार। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सगुन पांडे ने मीडिया से रूबरू होकर अपने घर में कहा कि आज कासगंज में चंदन की शोक सभा में उन्हें जाना था। चंदन की मौसी व बहन ने उनसे शोक सभा में पहुंचने को कहा था। कासगंज के एएसपी त्रिपाठी ने फोन पर मुझसे कासगंज आने से मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। इस फोन के बाद सीओ पहाड़ी पुलिस फोर्स के बाद उनके घर पर आ गए और घर से बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि संविधान उसी दिन खत्म हो गया जब तिरंगा लेकर निकले लाल को मार दिया गया। आज स्पष्ट हो गया कि संविधान का मौलिक अधिकार मेरी स्वतंत्रता को मेरे ही घर में कैद किया जा रहा है। यह तुगलकी सा फरमान है। अपनी जान देकर भी चंदन को इंसाफ दिलाऊंगी। चंदन शहीद हुआ है। योगी और मोदी से विनती है कि चंदन को इंसाफ दिलाएं। उन्होंने यही चंदन को श्रद्धांजलि अर्पित की। कासगंज आज चंदन की शोक सभा में परिवार में से उनकी मौसी, चंदन की मौसी और बहन का आह्वान था कि मैं जरूर पहुंचूं वहां पर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसी दुख की घड़ी में। अभी उसके बाद जो है एसपी कासगंज त्रिपाठी जी ने मुझे कहा कि मैं रुक जाऊं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मैं रुकूंगी तो नहीं, मैं आऊंगी। अभी उसके बाद जो है फोन रखा, जब मैंने उनसे कह दिया कि नहीं मैं पहुंचूंगी, उसके बाद यहाँ पर अलीगढ़ में ही मुझे सीओ साहब और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं वहाँ ना जाऊँ। तो एक इनफॉर्मल डिटेन समझ लीजिए अभी तब तक की। लेकिन मेरे लिए बहुत दुखद स्थिति है। 60 साल कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल सरकार या कांग्रेस की बात करते हैं या अखिलेश सरकार की बात करते हैं। अभी मैं तो कल भी इसी बात को बोल के आई थी जब मैंने उसकी माँ की व्यथा को देखा था कि संविधान तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तिरंगा लहराते हुए कासगंज जैसे छोटे से सिटी में बच्चे को गोली मार दी जाती है। तिरंगा खत्म है और आज तो बिल्कुल ही विश्वास हो गया। तब तो मुझे लगा था कि खत्म है। आज तो संविधान का जो मौलिक अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता को ही मुझे घर में कैद किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान में ये तुगलकी सा एक फरमान मुझे नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तो गलती नहीं है, उनको तो आदेशों पर काम करना है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत दुखद है। और अपील करना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर सच्चे भारतवासी इस भारतवर्ष में रहते हैं और संविधान को पढ़ते हैं, मेरे छत्तीसगढ़ और झारखंड में मेरे बहुत सीनियर लॉयर्स हैं जिनसे मेरी चर्चा हुई थी कि प्लीज संविधान को पढ़िए और इस तरह जो अधिकारों का हनन हो जाता है उस हनन को होने से बचाइए। आज उस परिवार को हम सबकी भावनाओं की, हम सबके मॉरल सपोर्ट की, हमारे सबके इथिक्स को जगाने की आवश्यकता है। उस परिवार के साथ खड़े हो जाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ आगजनी करिए या कुछ गलत करिए, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहती हूँ कि एक दिन भारत बंद तो बुलाइए। कश्मीर में अभी तक हम कहानियां सुनते थे कि तिरंगा फहरा दिया तो गोली मार दी, लेकिन आज कासगंज में ये हो रहा है, कैराना में जाने से रोका जा रहा है। यूपी क्या पाकिस्तान बॉर्डर पर आ गया, क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। मेरे लिए बहुत व्यथा की स्थिति है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, पर ऐलान करती हूँ कि चंदन अगर तुम मुझसे कहीं से भी सुन रहे हो तो बेटा जान भी देके तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, तुम्हारे परिवार को इंसाफ दिलाऊंगी, तुम्हारी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जो संस्कार माँ भारती ने तुम्हें दिए, जिस भी संस्था से तुम जुड़े थे और जिस गर्व के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम और तिरंगा हाथ में लेके तुम शहीद हुए हो, मेरे लिए तुम शहीद हो और तुम्हारे लिए 100 बार जान देने को तैयार हूँ। मेरे इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, मेरा इस देश की केंद्र सरकार से, मेरा योगी सरकार से, मोदी जी और योगी जी से तो व्यक्तिगत, संत है तो आइए, यहाँ कोई होली नहीं थी, यहाँ मुहर्रम नहीं था, यहाँ दिवाली नहीं थी, यहाँ तिरंगा था, यहाँ संविधान की खुशी थी, यहाँ उस बच्चे के अंदर आत्म सुरक्षा का वो भाव था कि आज योगी सरकार है, मुझे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। शायद वो जज्बा था, वो जुनून था जो तिरंगे की शोभा यात्रा निकाल रहा था। गौरव को, इस बच्चे को, चंदन को इंसाफ दिला दीजिए, चंदन को इंसाफ दिला दीजिए। यही गुहार लगाती हूँ, यही पूरे भारत से अपील करती हूँ, भारत बंद कर दीजिए, शांति से अपने घरों में बैठिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, मगर बंद करिए। इसी के साथ प्लीज सच्ची श्रद्धांजलि चंदन मैं यहीं से तुम्हें देती हूँ।
उनकी माँ को देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ रोक लिया गया है, पर सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। लेकिन श्रद्धांजलि मैं पूरी अपनी ओर से उस दिन मानूंगी जिस दिन तुम्हें इंसाफ दिला दूंगी। जय हिंदू राष्ट्र।